नाउ so स्टूडेंट्स अभी हमने लोकल होस्ट पे प्रेस्टो शॉप का 1.7 वर्जन जो कि अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है इन माई 2018 उसको हमने इंस्टॉल करके कर देखा सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल करके कर देखा अब हम ये देखते हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हमने जो ऑनलाइन स्टोर है उसको एक्सेस कैसे करना है जस्ट लाइक मेजेंटो प्रेस्टर शॉप के भी दो इंटरफेसेस हैं एक वो इंटरफेस है जो यूजर यानी मैं और आप एक्सेस करेंगे यानी जस्ट लाइक ऑनलाइन वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट जिस तरह होती है और दूसरा उसका एडमिन इंटरफेस है यानी एज अ ओनर ऑफ द प्रेस्टर शॉप तो ये दो हम लॉग इन करके देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं और एक्चुअली इनको रन करना कैसे है क्योंकि मेजेंटो को रन करना आफ्टर इंस्टॉलेशन और और प्रेस्टर शॉप को रन करना इन बिटवीन एक एडिशनल स्टेप है विच आई विल शो यू कि वो कैसे करना है नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन जो हमने अभी करके देखी है उसके बाद आपने जाके ब्राउजर में लिखना है लोकल होस्ट स्लैश प्रेस्टर शॉप स्लैश एडमिन यहां तक लिखना है आपने उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास ये विंडो आपको नजर आएगी जो कि एरर विंडो नहीं है ये एरर मैसेज नहीं है ये अगर आप इसका मैसेज गौर से पढ़ें तो सिर्फ कह रहे कि जी इंस्टॉल फोल्डर को डिलीट कर दें जाके अब इंस्टॉल फोल्डर किधर है मैं आपको अभी बताता हूँ मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर ली हुई है बट आई विल शो यू ये फोल्डर किधर मौजूद होता है सी में जाए जैम्प पे जाना है एच टी डॉक्स में जाना है प्रेस्टा शॉप में जाएंगे तो प्रेस्टा शॉप का जो मेन फोल्डर है यहाँ पे एक इंस्टॉल का फोल्डर मौजूद होता है नाउ यू कैन सी कि यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है तो वो जो स्क्रीन है आपको ये बोल रही थी कि इंस्टॉल का फोल्डर अगर मौजूद होगा प्रेस्टर शॉप के मेन फोल्डर में तो आपको आपको डाटा से कनेक्ट नहीं करने देगा मैंने क्योंकि वो फोल्डर डिलीट कर दिया है तो लेट इस ट्राई टू कनेक्ट अब मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ मैं लेट सपोज लोकल होस्ट स्लैश प्रेस्टर शॉप अब ये आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है दिस इज बेसिकली क्लाइंट एंड ये क्लाइंट स्क्रीन है यानी ये मुझे और आपको नजर आ रही होगी नाउ यू कैन सी कि ये एक रनिंग स्टोर है ये एक चलता हुआ स्टोर है यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं यू कैन ब्राउज है आप इसको सक्सेसफुली ब्राउज कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास तीन कैटेगरीज हैं फिर आगे सब कैटेगरीज हैं आप प्रोडक्ट को क्लिक कर सकते हैं लेट सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आई कैन यू नो आई कैन सी द डिटेल्स मैं यहाँ पे पूरे का पूरा शॉपिंग का जो प्रोसीजर है वो कर सकता हूं ये फ्रंट एंड है अब लेट मी गो टू द बैक एंड मैं लोकल लिखा लिखा शॉप पे इसके बाद एडमिन जैसे ही आप एडमिन लिखेंगे तो खुद उसका यूरल बन जाएगा आप में सिर्फ एंटर करना है थोड़ा सा ये टाइम लेता है फॉर द फर्स्ट टाइम अगर ये विंडो आपके सामने आ जाती है इससे पहले नहीं आ रही थी क्योंकि अगर आपने इंस्टॉल का फोल्डर डिलीट नहीं किया होगा ये लॉग इन विंडो नहीं आएगी ये यूजर नेम पासवर्ड वही है जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त मैंने आपको कहा था कि आप कहीं लिख छोड़ें मैंने अलग से एक नोटपैड फाइल में ये देखें नोटपैड फाइल में अलग से इसका यूजरनेम पासवर्ड लिख लिया वही यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ दें और लॉग इन करें तो अगर यहाँ पर लॉग इन हो जाता है सक्सेसफुल लॉग इन हो जाता है तो अब ये हमारा बैकहेंड का पैनल है अब यहाँ पर आप क्लियरली देखें कि इसका जो इंटरफेस है यानी जो उसकी लुक एंड फील है प्रेस्टर शॉप के बैक एंड की वो बिल्कुल डिफरेंट है मेजेंटो से यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ये कि ट्राई टू मेक श्योर कि आप जब प्रेस्टर शॉप का वर्जन डाउनलोड करें वो लेटेस्ट वर्जन हो ये जो मैंने अभी वर्जन डाउनलोड किया है ये 1.7 वर्जन है जो कि अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है तो अगर आप यहाँ बैकेंड पे लॉग करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है बैकेंड पे और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आपका फ्रंट एंड पे तो दिस मीन के आपने सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन अपने कर ली है जस्ट वन पॉइंट मैं क्योंकि शॉपिंग कार्ड के साथ प्ले अराउंड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे लोगो चेंज कर दिया तो जब आप लोग लोगो आई I मीन mean, आप लोग जब फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करके एक्सेस करेंगे तो हो सकता है यहां पे आपको लोगो कुछ और नजर आ रहा हो तो लोगो कुछ भी नजर आ रहा हो आई I मीन mean, आपने परेशान नहीं होना यहाँ पे लोगो आना चाहिए और इस तरह की कोई थीम आनी चाहिए हो सकता है कि अगर आप आई I मीन mean, कुछ दिनों बाद डाउनलोड करें या कुछ अरसे बाद डाउनलोड करें तो डिफॉल्ट जो थीम है हो सकता है वो चेंज हो जाए थीम ये होती है जो ये आपको नज़र आ रहा है कि जी आपके मेन्यूज किधर हैं आपके इमेज किधर हैं आपके प्रोडक्ट्स किधर हैं यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग किधर है फिर ये जो आपका बॉटम आ रहा है ये थीम होती है ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डिफॉल्ट थीम होती है वो प्रेसर शॉप वाले या मेजेंटो वाले वो चेंज करते रहते हैं तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना इश्यू यह कि जब आप लोकल होस स्लैश प्रेसर शॉप लिखें तो एरर नहीं आना चाहिए अगर एरर नहीं आ रहा कोई थीम लोड हो गई है तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कर लिया है एंड यू आर एबल टू नाउ एक्सेस एंड रन बोथ यानी फ्रंट एंड भी आपके पास चल रहा है बैक एंड भी आपके पास चल रहा है दिस इज अ साइन कि आपके पास यहाँ अगर आप लोकल होस में जाके माई एडमिन को देखेंगे तो यहां पे आपके पास ये प्रेस्टा शॉप वेब का नाम का एक डेटाबेस भी क्रिएट हो गया है बैक एंड पे तो इसका मतलब ये कि अब आपके पास फ्रंट एंड यानी जो मैं और आप एक्सेस करते हैं बैक एंड यानी जो हमारा एडमिन पैनल है और जो ये हमारा डेटा बेस है प्रेस्टा शॉप वेब के नाम से वो भी आपके पास अब क्रिएट हो गया तो दिस शोज कि आपकी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गई है ये आप देखें ये ये जो सारे टेबल्स हैं जो हमने एंटीटी रिलेशनशिप डायग्राम के वक्त डिस्कस किए थे एक्चुअली ये टेबल थे सारे ये सारे के सारे टेबल देखें नीचे आपको ये काउंट दिखा रहा होगा 250 टेबल खुद क्रिएट हो गए हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन और इसमें कुछ सैंपल डेटा भी मौजूद है ठीक है तो ये बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम खुद से इम्प्लीमेंट की हुई है तो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेसफुली लॉगिंग इन टू तो द बैक एंड प्रेस्टा शॉप